गुड मॉर्निंग सक्सेस ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर एक छोटा सा वीडियो अपलोड करूंगा और आप इसे देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर एक और वीडियो आपके एग्ज़ाम हेतु अपलोड कर दूँगा, उसे भी देखना ना भूलिएगा, क्योंकि इन दोनों ही वीडियोज़ में अपकमिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। 11, 12 और 13 दिसंबर की 6 मीटिंग्स में जो भी पेपर्स आएंगे उनके लिए ये दोनों ही वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ वो तुरंत आपको अवेलेबल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले नोबल पुरस्कार 2019 की बात कर लेते हैं। अर्थशास्त्र पर देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर को अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार 2019 का मिला है। शांति पुरस्कार की बात करें तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली, इन्हें शांति का नोबल पुरस्कार मिला है। साहित्य के लिए जो है पीटर हैंडके को नोबल पुरस्कार दिया गया है और ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। और 2018 का भी साहित्य का पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो 2018 हेतु ओल्गा टोकार्जुक, ये पोलैंड के हैं, इनके साहित्य का पुरस्कार दिया जाना है। रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान के लिए जॉन बी गुड एनफ, एम स्टैनली विटिंगन और अकीरा योशिनो को संयुक्त रूप से रसायन का नोबल पुरस्कार दिया जाएगा। भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान में जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर और डीडियर क्लुयोज को भौतिक विज्ञान का संयुक्त रूप से नोबल पुरस्कार दिया जाना है। चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो विलियम जी कायलिन जूनियर, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। सर पीटर जे रेडक्लिफ, ये यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं, यूके, और ग्रेग एस सेमेंजा, ये अमेरिका के हैं। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से चिकित्सा विज्ञान का नोबल पुरस्कार दिया जाना है। तो नोबल पुरस्कारों की बात हो गई, इनमें से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आइए सूचकांक की बात कर लेते हैं। सूचकांक से भी बहुत सारे प्रश्न हर पेपर में कम से कम एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उनमें भारत की स्थिति क्या है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का जो है 52वां स्थान है और प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। हेनली पासपोर्ट सूचकांक में भारत का 86 स्थान है और प्रथम स्थान पर जापान और सिंगापुर हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, भारत का 140वां स्थान है और प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। कैंसर तत्परता सूचकांक, इसमें भारत का 19वां स्थान है और प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, देखिए ये पूछा जा चुका है, भारत का 140वां स्थान है और प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 का है ये, इसमें भारत का 81वां स्थान है और प्रथम स्थान डेनमार्क का है। और इसी तरह से वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा 2019 का जो सूचकांक है, इसमें भारत का 80वां स्थान है और प्रथम स्थान जो है वो स्विट्जरलैंड का है। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों पर से एक प्रश्न अवश्य पूछा जा रहा है। देखिए 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है ये ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में, 18वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन अजरबैजान के शहर बाकू में, 35वां आसियान शिखर सम्मेलन ये थाईलैंड बैंकॉक में, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन ये न्यूयॉर्क अमेरिका, 45वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस के बियारिट्स शहर में, और G20 शिखर सम्मेलन, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये जापान के ओसाका शहर में। और इसके बाद संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन ये किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। चक्रवात फोनी ये बहुत हाइलाइटेड रहा है, ये 3 मई 2019 को उड़ीसा के पुरी के तट पर आया था
और हिक्का चक्रवात जो है ये सितंबर 2019 के अंतिम सप्ताह में ओमान में आया था। अब आइए फिल्म और उसके पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो राजी को दिया गया है पुरस्कार, और इसके निर्देशक हैं मेघना गुलजार। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार है वो श्री राम राघवन अंधाधुन फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह पद्मावत फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को राजी के लिए दिया गया है। गोल्डन ड्रैगन अवार्ड 2019 जो है ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया गया है, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 ये अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। आइए संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात कर लेते हैं 2019 के, क्योंकि सैन्य अभ्यास से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो स्लिकनेक्स जो है भारत और श्रीलंका के बीच का है, गरुण 6 जो है भारत और फ्रांस के बीच का, सिम्बैक्स जो है भारत सिंगापुर के बीच का, मित्र शक्ति जो है भारत श्रीलंका, एफ इंडेक्स भारत अफ्रीका भारत, और युद्ध अभ्यास 2019 भारत और अमेरिका के बीच में है। ये भारत और अमेरिका का जो है इसका नाम ही युद्ध अभ्यास कर दिया गया है। आइए बज्र पहाड़ जो है ये भी भारत और अमेरिका के बीच का है। एक्वेरियन जो है ये भारत और मालदीव के बीच का सैन्य अभ्यास है। नोमैडिक एलिफेंट ये भारत और मंगोलिया के बीच का सैन्य अभ्यास है। हैंड इन हैंड ये दिसंबर में होना है, भारत और चीन के बीच का सैन्य अभ्यास। अभ्यास मालाबार जो है भारत अमेरिका जापान का नौसैनिक सैन्य अभ्यास था। संप्रीति जो है ये भारत और बांग्लादेश का सैन्य अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इनमें से भी एक प्रश्न बनेगा। धातु और एस्क से भी जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो जान लीजिए जो है कि प्रमुख धातुएं और उनके एक्स क्या हैं। एल्युमिनियम के बॉक्साइट, क्रोजोलाइट, कोरंडम और डायस्पोर है। सीसा का यानी लेड का है गैलना और सिरूसाइट। सिल्वर का है अर्जेंटाइट। कॉपर की बात करें तो कॉपर के जो है क्यूपराइट, एजुराइट, मेलेकाइट, कैल्कोसाइट और कैल्कोपायराइट, ये कॉपर के एस्क हैं। मैग्नीशियम के हैं मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और कॉर्नेलाइट। कैल्शियम का है जिप्सम और फ्लुओस्पार। टिन की बात करें तो टिन का एस्क है कैसिटेराइट। जिंक का है कैलामिन और जिंकाइट। मैग्नीज का है पैरोलुसाइट और मैग्नाइट। मरकरी का है सिनेबार। सोना का है गोल्ड का कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट्स। ये प्रमुख धातुएं और उनके प्रमुख एस्क की बात हो गई। इससे भी आप देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। तैयार क्या ना, एक बार रिवाइज कर लीजिए बस, अब तो एग्ज़ाम में ही आना है। आयरन की बात करें तो हेमोटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और आयरन पायराइट्स, ये आयरन के एस्क हैं। क्रोमियम के हैं क्रोमाइट और एंटीमनी के हैं स्टिबनाइट। तो ये लोहे और क्रोमियम एंटीमनी के हो गए। विटामिन्स की बात कर लें, विटामिन से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो विटामिन ए जो है इसको इसका जो नाम है वो रेटिनॉल है, और इसकी कमी से रतौंधी का रोग होता है। B1 का नाम थायमीन है और इसकी कमी से बेरीबेरी का रोग होता है। B3 का नाम जो है नियासिन है और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। B12 जो है इसको साइनोकोबालमिन कहते हैं, इसकी कमी से एनीमिया का रोग यानी रक्त की कमी होती है। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो स्कार्विक एसिड है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का नाम जो है कैल्सीफेरॉल है, इसकी कमी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है। विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो टोकोफेरॉल है, इसकी कमी से नपुंसकता या बंधेपन होता है। और विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो फिलोक्विलोन है, और इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना ये बीमारी होती है। अब नदियाँ और उसके तट पर बसे प्रमुख शहर भी पूछे जा रहे हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूँ। कटक जो है वो महानदी के तट पर, नासिक गोदावरी तट पर, कन्नौज जो है वो गंगा तट पर, आगरा यमुना तट पर, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे, और अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसे ही कानपुर, वाराणसी, बलिया, पटना, मुंगेर, बक्सर और भागलपुर, यूपी और बिहार के ये शहर हैं, ये सभी गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं।
मथुरा, दिल्ली और इटावा ये यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। राउरकेला जो है ये ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी के किनारे, और ग्वालियर और कोटा जो है ये चंबल नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। इसके बाद देखिए अहमदाबाद और गांधीनगर जो है ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। मदुरै जो है ये बैगई नदी के किनारे बसा हुआ है। पणजी जो है ये मांडवी नदी के किनारे, और जगदलपुर जो है ये इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसे ग्वालियर और कोटा जो है ये चंबल नदी के किनारे, गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे, सांची और विदिशा ये बेतवा नदी के किनारे, बरेली और मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, लुधियाना जो है ये सतलुज नदी के किनारे। देखिए ये पूछा गया था, अभी लुधियाना के बारे में पूछा गया था। हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे, और श्रीरंगपट्टनम और मैसूर जो है ये कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये राज्य और प्रमुख झीलें हैं, इनसे भी एक प्रश्न बनता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है, सूरज कुंड झील हरियाणा में है, पाला जो है ये मिजोरम में है, चोलामू झील जो है ये सिक्किम में है, बेलांदूर जो है कर्नाटक में है, कोलेरू जो है वो आंध्र प्रदेश में है, उमियम मेघालय में है, लोनार पवई गोरेवाड़ा और सालिम अली सरोवर जो है ये महाराष्ट्र में है। ऐसे ही वेम्बनाद, लैगून और सस्थम कोट्टा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, केरल में है। कांजली, हरिके और रोपड़ ये पंजाब में है। डल, वूलर, अनंतनाग, बेरीनाग, नागिन, शेषनाग, सोमोरीरी ये जम्मू और कश्मीर में है। देखिए नाग से रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे जम्मू कश्मीर में हैं। कोडाई कनाल, बेरीजाम, ऊटी और चेम्बर मकम्बम ये तमिलनाडु में है। कोडाई कनाल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आसाम की झीलें हैं दीपोरवील, सोनवील और चपनाला। हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर ये तेलंगाना की झीलें हैं। अब आइए भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, इसे भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसको बता दे समझा देता हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, इनसे अक्सर पूछा जाता है। अनुच्छेद 5 जो है ये नागरिकता से संबंधित है। 124 जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। 352 जो है आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। 312 जो है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है इसमें। 324 में निर्वाचन आयोग, 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों का प्रावधान है। 315 में संघ लोक सेवा आयोग, 332 में राज्यों की विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण, 165 में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, और 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अब आप इधर का इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 48 में है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 नीति निरीक्षक तत्व। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद। 368 जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसमें दी हुई है। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 170 में राज्य विधानसभाओं की संरचना। 323A में प्रशासनिक अधिकरण। 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण। इसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। 148 में CAG। 192 सांसदों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। और अनुच्छेद 45 जो है ये बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज, जो कि जिन टॉपिक्स पर पिछले
9 और 10 तारीख के पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं सारे टॉपिक्स पर जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बना दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो भी मैं इसके बाद अपलोड करूँगा, उसे भी आप देख लीजिएगा, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए 11, 12 और 13 की जो पेपर्स हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उन्हें ज़रूर देखिएगा और तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। ओके, थैंक यू।